मुख्य फिल्म घटना घटित हुई है और खासतौर से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। ग्लेशियर का इन दिनों में टूटना और इस स्केल पर, क्योंकि वो जो जानकारी मिली जो उनको 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसकी रिजर्वायर में और उसके बाद वो सारा रिजर्वायर भी टूट गया, उसके कारण फिर आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो लोग लगे हुए थे काम में, ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ, जो आदमी की जिंदगी का नुकसान ज्यादा वहां पर हुआ। कल मेरी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से बात हुई और हिमाचल पूरी संवेदना व्यक्त करता इस घटना पर और बहुत बड़े स्तर पर इसमें जो नुकसान हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जो सहयोग केंद्र सरकार की ओर से उनको दिया जा सकता है उस दृष्टि से भी, लेकिन ये हम सब के लिए एक विषय है सोचने के लिए। जहां हम हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के निर्माण कर रहे हैं उसमें इन चीजों के लिए हम एहतियात के तौर, सावधानी के तौर पर आने वाले समय में जो चीजें आवश्यक हैं करने की दृष्टि से, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित न हो, तो वो मुझे लगता है कि एक सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। हम भी हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करेंगे, जहां इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जहां ग्लेशियर टूट करके रिजर्वायर में जाने की जिसकी संभावना हो उसमें क्या चीजें सोची जा सकती है, क्या चीजें की जा सकती है, ये एक विषय है।